ओम प्रिया बाबाजी नमः, ओम श्री मातृ नमः। नमस्ते मित्रों, आज के लेक्चर का भाग है तांत्रिक जुमला। हमारे अगर पिछले काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तो तांत्रिक जुमला के विषय में शरीर के अंदर प्रेत पिशाच जाकर क्या होता है, ये जो तांत्रिक दरबार जो लोग भरवाते हैं इसमें लोग जो जाते हैं गुरुओं के पास तो वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक मैजिक निकाला जाता है, मतलब होता क्या है। तो ये सारी घटनाएँ जो है तथा प्रेत पिशाचों के विषय में काफ़ी सारे मैंने लेक्चर्स जो है पहले भी दिए, यानी आपके सामने रखे हुए हैं, आप वो पहले वाले जो लेक्चर से उनका अभ्यास कर लीजिए, फिर आप ये लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि हर विषय जो है वो अलग अलग तरीके से मैंने बताया हुआ है जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो बढ़ सके इस विषय में। तांत्रिक जुमला जो आजकल देखिए हर जगह पे अलग अलग दरबार लगते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रेत पिशाच पितृदोष हो, आपकी निगेटिविटी हो, वो निकालने के वो दरबार लगते हैं। कुछ दरबारों में फ्री में काम करवाते हैं, कुछ दरबारों में कुछ हज़ार या लाखों रुपये लेते हैं। अब ये दरबार सिर्फ हिंदुओं में नहीं होते, ये दरबार जो है मुसलमानों में भी होते हैं मित्रों, ठीक है। तो ये जो तांत्रिक जुमला, इसकी एक व्याख्या क्या है, इसमें चलता क्या है, जो ये जो सारे दरबार होते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम प्रकाश इसमें मैं इसमें डालने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक कोर्सेज के दिए हैं, इनका आप लाभ ले लीजिए। तो मित्रों, तांत्रिक जुमला इस प्रक्रिया में आपको तंत्र की एक व्याख्या पहले समझनी होगी, क्योंकि जब हमारे पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं गुरुजी आप तंत्र सिखाते हो क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप कोई तंत्र मतलब ऐसा वाया वैसा टाइप का तंत्र सिखाते हो क्या, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता। आप जो महामृत्युंजय के मंत्र के जाप करते हो, गायत्री के जाप करते हो, निवारण मंत्र के जाप करते हो, या दस महाविद्याओं के भी जो जाप करते हो, योगिनी यक्षिणी अप्सरा हो, ये सारे भैरव हो, ये सब कुछ जो जाप ताप जब सब कुछ जो है ये तंत्र ही है। आप बस क्या कर रहे हो उसको एक्टिव करने का तरीका आपको पता नहीं है। आपको कोई गुरु या यूट्यूब पर कोई बोलता है कि आप ये मंत्र का जाप करो, आप करने के लिए उत्सुक हो जाते हो, आपको लगता है ये भैरव है, इस भैरव का मैंने जाप किया तो उससे वो हो जाएगा। परंतु सिर्फ मंत्र के जाप से कहानी बदलती नहीं है या आपके आसपास का माहौल नहीं बदलता है। मंत्र को चलाने के लिए उसके साथ अलग अलग साहित्य, अलग अलग एनर्जी का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और एक कंपाउंड एनर्जी बनानी पड़ती है, एक बाइंडिंग बनानी पड़ती है, जिसे हम बंधक कह सकते हैं। एक 10 शक्तियों को एक जगह पर बुलाकर उसका एक वाइंडिंग किया जाता है। जैसे कि अगर पंखा है, पंखे का वाइंडिंग कैसे होता है, तारों को इकट्ठा करके उसमें एनर्जी घूमती है, वैसे ही कोई भैरव हो, कोई बगलामुखी हो, महाकाली हो, तारा हो, श्री विद्या में अलग अलग देवी देवता है, एक नॉर्मल अगर सामान्य योगिनी शक्ति आप ले लीजिए तो वो भी अकेले काम नहीं करती, उसके साथ दसों प्रकार की एनर्जीज होती है, उनका एक बाइंडिंग होता है और उस बाइंडिंग से एनर्जी तैयार होती है। तो आपके पास यह बाइंड करने की जो क्षमता अथवा वो पद्धति आपको कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती, और ये मालूम ना होने के कारण काफ़ी सारे लोग मंत्र के जाप नॉर्मली एक आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं मंत्रों के जाप, और उसका रिवर्स इफेक्ट जो है काफ़ी सारे लोगों के घरों में पड़ जाता है, लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो नहीं तो आप सोचिए मित्रों, हम श्री विद्यापीठम के द्वारा इतनी सारी जो बुक्स है, ये बुक्स तंत्र की जो हमने सात्विक रीति से जो सिखाते हैं, ये कभी निकालते ही नहीं है। हमें सिर्फ आसान हो जाता है, आप में से कोई हमारे पास सीखने के लिए आता और हम ये किताब ना देकर आपको बोलते कि फ़ोन पर हमें वीडियो कॉल करो, मैं तुमको नवारण मंत्र की दीक्षा देता हूँ, इतना जाप करो तुम्हारी दीक्षा हो गई, तो ये सारे बुक निकाल कर पूरा का पूरा विधि सिखाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मित्रों। तो इस तरह से शॉर्टकट वे में साधनाएँ होती नहीं है। कोई भी तंत्र, देखिए हमारे आसपास जो है माहौल पूरा का पूरा तंत्र है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं नदी के किनारे हूँ, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर से पानी जा रहा है, इसमें पानी की ताकत जमा होती है, इसमें धूप की ताकत जमा होती है, इसमें ठंड की ताकत भी जमा होती है। कोई तांत्रिक जिसे पता है कि कहाँ से एनर्जी उठानी है, वो इस पत्थर की एनर्जी भी उठा सकता है, इस पत्थर में बहुत सारी एनर्जी होती है। होली में बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि अगर मेरे पीछे पहाड़ है तो यहाँ आसपास के तांत्रिक हैं तो वो क्या करेंगे होली के लिए कि पहाड़ों की ताकत होली के समय में खींच लेंगे। और ऐसे तांत्रिकों ने साल भर में लोगों के काम करके जो गंदगी अपने शरीर के अंदर आसपास स्टोर की है वो किसी साहित्य में डालकर उस पर्वत के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप का तंत्र चलता है मित्रों, ठीक है। अभी होली ख़त्म हो चुकी है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बताई होगी इसके बारे में। तांत्रिक जुमला में आपको जैसे अभी मैंने तंत्र की व्याख्या बताई, सभी जगहों पर तंत्र है। आप हनुमान जी की साधना करते हो तो हनुमान तत्व एक बहुत बड़ा तंत्र है, क्योंकि कोई भी ब्लैक मैजिक जो चीज़ें हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक विषय है या सात्विक हो या तांत्रिक हो, कोई भी चीज़ उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, और हवा आप देख नहीं सकते, तो हवा से अदृश्य जगत से या हवा के द्वारा वो एनर्जी यहाँ से वहाँ जाती है। अब वायु हवा जिसे कहते हैं वो किसके सानिध्य में या किसके आधिपत्य में आता है, तो हनुमान जी के आधिपत्य में आता है। आप हम पुराने लोगों से सुनते हैं, किसी ने मूठ मार दी, किसी ने भानामती कर दी, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दी, किसी ने स्मशान उठाकर डाल दिया, मतलब क्या है, किसी ने पिशाच उसके ऊपर डाल दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, मतलब उसको उसने कुछ चीज़ उठाई
हवा में से, हवा में कोई एक एनर्जी का बाउंड तैयार किया, गोला तैयार किया जो दिखता नहीं है, और किसी एनिमी शत्रु के ऊपर वो डाल दिया। हवा की ताकत वायु तत्व हनुमान जी के सानिध्य में आती है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि हनुमान जी के पास कितनी बड़ी ताकत होगी। परंतु हनुमान जी का ये जो तंत्र है इसकी भी ज़्यादा व्याख्या लोग समझते नहीं है। या बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग जो है हर रोज़ाना तंत्र से गुजरते हैं, लोग ये समझते ही नहीं है। आप रोज़ गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में पेट्रोल ज़मीन के अंदर से कहाँ से आता है इसका आप थोड़ा सा कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालो कि जो पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। आपके घर में जो बिजली आ रही है उस बिजली के लिए जो कोयला लाया जाता है, ये कोयला बनता कहाँ से है। सबसे कठिन जिसे कहा जाता है पत्थर या हीरा जिसे कहा जाता है, सबसे कठिन है। और हीरे को सिर्फ हीरा ही तोड़ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई भी धातु या कोई भी एनर्जी हीरे को तोड़ नहीं सकती। तो हीरा भी कहाँ मिलता है, ये जो कोल माइनिंग होती है ये बनती कहाँ से है। तो आप कल्पना कर लीजिए, हम रेगुलरली जो है तंत्र से गुजर रहे हैं, हम रेगुलरली तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, ये हम ध्यान में ही नहीं ला रहे हैं। तंत्र सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होता, तंत्र होता है 10 एनर्जी को एक करके कंपाउंड एनर्जी बनानी। आप अपने घर में अलग अलग बीम बार एक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके एक घर बनता है, तो वैसे ही हमारा शरीर भी जो है एक तंत्र है। हड्डी, रक्त, अष्टधातु, सप्तधातु, उसमें ओजस, आपकी आगे पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सारी चीज़ें एक होकर आपका शरीर बनता है। आपने ये आधुनिक जगत का शर्ट इसमें पहना हुआ है, आधुनिक जगत का गॉगल पहना हुआ है, परंतु आपका शरीर प्राचीन है। क्यों प्राचीन है? क्योंकि आपके ब्लड में आपके पिछले 21 पुश्तों का रक्त बह रहा है। तो मतलब आपके पहले 21 पुश्तें जो है आपके पूर्वज है, इनकी मेमोरीज आपके शरीर में है। कभी आपने पीछे मुड़कर आपके शरीर में कौन सी मेमोरीज आपके पुश्तों की स्टोर है ये कभी आपने सोचा नहीं है। कभी आप सोच के देखिए, कोई भी साधना जो होती है ना वो आपको आगे बढ़ाने से पूर्व आपकी ये मेमोरीज में जो दोष आए हुए हैं प्राचीन काल से उसको सॉल्व करती है मित्र। तो तंत्र को समझने का एक जरिया बदलिए, तंत्र होता क्या है। और हर किसी को साधना में जाने का तरीका होता है वो तंत्र से ही निकलता है मित्र, आपको समझ आ गया। अब ये तांत्रिक जुमला क्या होता है? तो तांत्रिक जुमले में आजकल आप देखिए अलग अलग जगहों पे दरबार भरे हुए रहते हैं, उसमें मैंने कुछ चीज़ों की व्याख्या भी की। तो आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा साधना ही सीखनी है तो वो हमारे 64 योगिनी साधना का लाभ ले सकता है। 64 योगिनी की साधना के साथ हमारा 64 योगिनी यंत्र भी है। ये साधना का जो रिचुअल्स है ये पूरा तांत्रिक विधि है इसका, जो सात्विक पद्धति से है, जो कोई भी कर सकता है। ये अभी तक कहीं पर भी सिखाया नहीं गया है मित्रों। आप गूगल के ऊपर देखिए, ये विषय कहीं पर भी सिखाया नहीं है। तथा बाकी की जो साधना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। महामृत्युंजय साधना है, घर में जो पितृदोष होता है वो आप कहीं पर भी जाओ, श्राद्ध कर्म करो, कितना भी जाप करो, कितना भी हवन करो, नवग्रह की शांति करो, पर पितृ से छटता नहीं। वो महामृत्युंजय साधना की जो है जो बुक है इसमें पूरा हमने तांत्रिक विषय सिखाया हुआ है। सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए। तथा सिद्ध कुंजिका की साधना है, ये बुक है सिद्ध कुंजिका का, इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक का विधि सिखाया हुआ है, हवन सिखाया हुआ है। ये आपके घर की प्राचीन कुल देवी के दोष जो है वो दूर करने के लिए सिखाया हुआ है। तथा ये हनुमान जी की साधना है, हनुमान जी की साधना भी काफ़ी बहुत सुंदर साधना है कोई भी तांत्रिक विधि के लिए, जो ब्लैक मैजिक का इशू हो उनके लिए। और ये श्री विद्या का प्रथम महागणपति साधना, आप इन सारी साधनाओं का लाभ ले सकते हैं मित्रों। और ये सारी साधनाओं के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, मुझे एक संपर्क कर सकते हैं। हमारा ब्लॉग का लिंक आपके सामने है, श्रीविद्यापीठम.com, गूगल के ऊपर जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक भी दिए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम अभी आगे के तांत्रिक जुमला इस लेक्चर में बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई थी, शायद अमेठी वगैरह उस जगह यूपी अमेठी साइड की थी। उसने कहा कि गुरुजी मैं किसी एक दरबार में गई, मेरे परिवार वालों ने मुझे लेकर चले गए। दरबार में जाने के बाद मुझे शरीर में जैसे सुइया टोचती है वैसे सुइया चुभोती है वैसा होना शुरू हो गया। सामने वाले बंदे ने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में पिशाच है, तुम्हारे शरीर में पिशाच है, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके हमको पूरा बेवकूफ़ बना दिया, पैसे लूट लिए। और जब घर में आ गए तो पहले हमारा माहौल पूरा शांत होता था, घर वाले माता पिता मेरी बातें सुनती थी, मेरी बातें माता पिता सुनते थे। तो जो सारा माहौल था ऐसे दरबार में जाने के बाद, घर आने के बाद सारा माहौल बिगड़ गया। जो घर में लोग थे वो पागल हो गए, थोड़े से जैसे साइकिक टाइप के होते, झगड़े शुरू हो गए, क्या करना है समझ में नहीं आ गया, शरीर में पानी भरना शुरू हो गया, जो छाती होती है शरीर होता है उसमें पानी भरना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अचानक से एक दिन में कैसे बिगड़ गई आप कल्पना कर लीजिए। आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो ना तब बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये लोग क्या करते हैं जो दरबार ज़्यादातर भरते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, मीडियम टाइप के लोग कम होते हैं, और जो अमीर टाइप के लोग होते हैं वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, वो पीछे के रास्ते से उनकी मिलीभगत होती है उस दरबार के तांत्रिक व्यक्ति से, ठीक है। जो सामान्य लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, ये गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, परंतु ये
छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो वो तांत्रिक क्या करता है, उनकी पूरी की पूरी सेटिंग उस दरबार में लगी हुई रहती है। इनके पास पहले से ही पिशाचों की शक्तियाँ होती है। हर तांत्रिक के पास अलग अलग पिशाच शक्तियाँ हो सकती है। कोई हिंदुओं का तांत्रिक हो तो उसके पास कुछ स्मशानिक एनर्जी के पिशाच हो सकते हैं, कुछ प्रेत हो सकता है, कोई भैरव की शक्ति उसके पास हो सकती है, कोई चांडाल या हडल जिसे कहते हैं, हडल मतलब जो पेट में गर्भवती स्त्री मर चुकी है, ऐसी स्त्री की भी ताकत हो सकती है। तो वो शक्ति अगर वहाँ पे 10-15 शक्ति उसने लगा दी तो वो सारी एनर्जीज बता सकती है। कोई ऐसे लोग होते हैं, अगर मुसलमानों के पास कोई मुस्लिम तांत्रिक है वहाँ चले जाएंगे तो अच्छे मुसलमान हो गए तो उनके पास किसी पीर की हजरत की ताकत होगी। कोई मुसलमान कोई बुरी शक्ति को लेकर आ रहा है तो उसके पास क्या ताकत होगी, किसी जिन्नात की ताकत होगी। जिन्नात मतलब जिसको खबीस वगैरह भी कहा जाता है, वो भी हो सकता है। ये जिन्नात खबीस ऐसे प्रकार होते हैं कि जो अफ्रीका से बंधक बनाए गए अफ्रीकी लोग उस ज़माने में, वो 1000-2000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में अफ्रीका से अफ्रीकन लोग जो थे जहाज़ों के द्वारा सऊदी, दुबई, इजिप्त में लेके जाते थे, ओमान में, यमन में लेके जाते थे, और वहाँ पर जो इस्लामिक लोग थे, ये जो अफ्रीकन लोग थे इनका धर्मांतरण भी करवाते थे, इनको घर में गुलामी करने के लिए रखते थे, और पूरे नंगे बदन और पूरा सिर्फ लंगोट लगाकर घर की सारी और खेतों की गुलामी करना। और ऐसे कोई अफ्रीकन गुलाम जो काला बंदा होते, पूरे काले होते, उनकी हाइट बहुत होती, तगड़े होते, ताकतवान होते, तो ये जब गुलाम बनते हैं तो ये गुलाम बनने के बाद बहुत सारे दुखों में होते हैं मित्रों, और ये पूरे दुखों में होते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो ऐसा कोई गुलाम वहाँ पर सऊदी, यमन, ओमान, इराक, ईरान में ऐसे बहुत मर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मरा हुआ जो अफ्रीकन है, ये अफ्रीकन मरने के बाद एक उसकी आत्मा दुखी आत्मा बन जाती है और वो प्रेत में कन्वर्ट हो जाती है। और ये इस्लामिक प्रदेश में आत्मा मरी हुई है, शरीर मरा हुआ है, इसके ऊपर ये कुछ इस्लामिक तांत्रिक होते हैं उसके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं और उसको खबीस, उसको कुछ जिन्नातों का रूप दे देते हैं, जिसको थोड़े से सिंह होते हैं, जिसका शरीर अलग टाइप का होता है। इसके शरीर में जो समुंदर के अंदर की गंदगी होती है वो तांत्रिक अपने एनर्जी से बाहर निकाल कर उसके शरीर में स्टोर करते हैं, जिससे कि उस खबीस की ताकत जो है, उस जिन्नत की ताकत जो है वो बढ़ सके। अगर एक खबीस सामने खड़ा हो जाता है ना तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ उसके सामने ज़ीरो हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्ति हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसा कोई खबीस अगर हिंदुओं में किसी हिंदू परिवार में किसी फैमिली को नुकसान करेगा तो उस हिंदू परिवार को उसको सॉल्व करने के लिए इस्लामिक पीर, इस्लामिक हजरतों की, इस्लामिक शक्तियों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम से सॉल्व होता है, उसी ताकत से प्रॉब्लम वो सॉल्व होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सोच के परे की बातें हैं। ये क्या, अभी मैंने थोड़ा सा इस्लाम का बता दिया। इस्लाम में ऐसे भी सारी शक्तियाँ होती है कि जो सैकड़ों साल से कोई मकबरा है, सैकड़ों साल से कोई मुस्लिम आत्मा जो है, शरीर है, वो ज़मीन के अंदर बढ़ पड़ा हुआ है, उसको जगाकर भी अलग जिन्नात बना देते हैं ये इस्लामिक तांत्रिक, उनका भी प्रयोग होता है। जैन तंत्र में आप जाएंगे तो जैन तंत्र में भी ये क्रिया आती है, जैन तंत्र में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, परंतु वो कभी खुल के सामने आया नहीं। बुद्धिस्ट तंत्र में भी जाएंगे आप तो वहाँ पर भी यही सब्जेक्ट है। तो ब्लैक मैजिक की जो संकल्पना है वो बहुत बड़ी है। जो चमार होते हैं, चमार का चमड़े का पानी होता है, चमार जो लोग चमड़े का काम करते हैं, तो वो चमड़ा जिस इसमें भिगोया जाता है, पानी होता है, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक चलता है। उसमें एनिमल्स की ताकत खींची जाती है और वो एनिमल्स की ताकत जो होती है वो काले जादू में लगाई जाती है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि कितना तंत्र होता है। हमें पता नहीं होता कि आप, हमें जब प्रॉब्लम्स होते हैं तब हम किसी तांत्रिक दरबार में जाते हैं या तांत्रिक जहाँ प्रश्न सॉल्व करने के लिए रख के जगह होती है वहाँ जाते हैं, तो सामने वाले के पास क्या है ये हमें पता ही नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है हिडन में, इसलिए अच्छा गुरु चाहिए मार्गदर्शन के लिए, कि जो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बता सके, सिखा सके, आपको मैच्योर बना सके, बहुत सारी चीज़ों की पार्श्वभूमि आपको पता हो सके। मित्रों, तांत्रिक जुमले में बहुत सारे लोग क्या होता है कि जो दरबार होते हैं, ये दरबारों में जो गरीब लोग अपने प्रश्न लेकर जाते हैं, इनके शरीर में ये तांत्रिक क्या करते हैं, यानी सारी जगहों पे नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे दरबार होते हैं, कुछ कुछ ऐसे जगहें होती है, उनका पूरा का पूरा पिशाचों से बंधन करके वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। और यह ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, अदृश्य होती है, भौतिक जगत में इसको कोई समझ नहीं सकता, वो तांत्रिक जो है और जिसको इसकी अकल है वही समझता है। इसलिए तांत्रिक दरबार या ये जो तंत्र मंत्र के सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया नहीं जा सकता। ऐसा है, अगर मैं, अगर कोई मेरे घर में किसी का प्रश्न देख रहा हूँ तो मैं दिल्ली में जाकर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो अगर मुझे दिल्ली में करना है तो दिल्ली में, दिल्ली की ग्राम शक्तियाँ कौन है, दिल्ली में कौन सी शक्तियाँ वहाँ पे काम करती है, तो उनसे मुझे बातें करनी पड़ेगी और उनको उतने दिनों के लिए मुझे बंदिश लगाकर मुझे मेरे काम में उनकी मौजूदगी हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए उनको मैं, मुझे मानपान देना पड़ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप कल्पना कर लीजिए, बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, आप सोचें मित्रों, बहुत अभ्यास करने जैसा है।
काफ़ी सारे ऐसे तांत्रिक दरबार होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके जो क्लाइंट होते हैं ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। आप जिनको वोट देते हैं या आप जिनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो यह इनका ये पूरा जो जगत है ना, ये तांत्रिक शक्तियों से ही भरा पड़ा हुआ है। आपको भी बताता हूँ, ये पूरा का पूरा जो हमारे आसपास माहौल है भौतिक जगत का, जो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, या भी जो जो चल रहा है जितना भी, इसमें 51% जो है तंत्र का हिडन हाथ होता है, तांत्रिक शक्तियों का हाथ होता है। इसमें बहुत सारी पूरी अच्छी शक्तियाँ होती है जो एक दूसरे की मिली भगत से वो सारे काम करते हैं। और 49% हमारे मनुष्यों का हाथ होता है, भले आदमी कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। आप जानते होंगे, मैंने कुछ महीने पहले एक लेक्चर डाला था और उसमें मैंने बोला था कि रशिया को ज़रूरत क्या पड़ी थी कि एक छोटे से यूक्रेन के देश के ऊपर हमला करने। कोई भी एक मैच्योर परिपक्व देश जो है ऐसे हमला नहीं करेगा। कभी लोग इन चीज़ों को सोचते नहीं है मित्रों। यूक्रेन के पास ऐसा क्या है कि जो रशिया के पास नहीं है? आपने इसका मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे जो हत्याएं हुई थी, यार लोग मरे थे, इनको यूक्रेन की ज़मीन के ऊपर दफनाया गया था। और लाखों की तादाद में किसी की ज़मीन के अंदर ये आत्माएं दबी पड़ी रहती है, तो वहाँ पर एक गंदी एनर्जी तैयार होती है जो वहाँ के देश को डिफ़िकल्टी पैदा करती है। तो ऐसे बड़े हुए बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस होते हैं कि ऐसी एनर्जीज को एक करके किसी अच्छे काम के लिए भी लगाते हैं, किसी बुरे काम के लिए भी लगाते हैं। अगर वो एनर्जी, वो आत्माओं का जो झुंड होता है, वो इतना मारक होता है, इतना घातक होता है कि एक परमाणु बम से भी वो घातक होता है। आप कल्पना कर लीजिए, वो स्लो पॉइजन की तरह होता है जो वहाँ के आसपास के लोगों का माहौल बिगाड़ देता है। तो आप कोई बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिशियंस उस एनर्जी को अपने देश से बाहर उसको करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? आपने कभी सोचा है क्या? मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा हिंट ही दे रहा हूँ, आप कभी थोड़ा सा इसके बारे में सोच के देखिए, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पर नहीं बता सकता। क्या इसके कारण रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर लिया, ये आप सोचिए कभी, ठीक है? क्योंकि रशिया के पास तो अण्वस्त्र है, सब कुछ है, तो यूक्रेन के ऊपर क्यों हमला करेगा? पैसा भी है। ये जो तांत्रिक दरबार होते हैं, ये तांत्रिक दरबारों में जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, इनके संबंध जो होते हैं पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन लोगों के लिए होते हैं। हमें किसी क्या कह सकते हैं, कोई भी व्यवहार करना है या कोई आर्थिक चीज़ है जो करोड़ों और अब्जों में चल रही है, कोई इलेक्शन चल रहा है, या किसी बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट लोगों के सामने लाना है और उससे पैसा कमाना है, तो वहाँ पर आकर्षण, मोहिनी, कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन के ऊपर ब्लैक मैजिक डाल रहा है, तो ब्लैक मैजिक की रक्षा के लिए उस बिजनेसमैन को अपना भी एक स्तंभन प्रक्रिया लगती है, उसको अपने भी बंदिश लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये ताकतें आएंगी कहाँ से? तो उसका कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ना। किसी भी तांत्रिक के पास आप जाएंगे तो जैसे कि बैंक होता है, बैंक के पास अपना खुद का कोई पैसा नहीं होता, वो लोगों का पैसा लेती है और कर्ज़ा दे देती है। बैंक के पास कोई भी कर्ज़ा नहीं होता। वैसे ही अगर मैं तांत्रिक हूँ तो मेरे पास कोई मेरी खुद की ताकत नहीं है, मेरे पास सिर्फ स्किल होते हैं मैनेज करने के। मैं किसी जगह की आत्माएं, पिशाच या कुछ दैवीय शक्ति या कुछ कोई शक्तिपीठ है वहाँ की एनर्जी में खींच लूँगा। कोई मेरे पास बिजनेसमैन आएगा या कोई पॉलिटिशियंस आएगा तो उसका मैं वहाँ पर ताकत लगा कर काम करूँगा। या ऐसे डील्स होते हैं मित्रों, ये सारी चीज़ें। तो ये दरबारों में क्या होता है कि इतने सारे गरीब लोग आते हैं ना, इतने सारे पूजा पाठ करने वाले भी लोग होते हैं, कुछ कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं, कुछ कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, कुलदेवी का आशीर्वाद होता है, उनको पता नहीं होता छोटा मोटा आशीर्वाद उनके ऊपर चल रहा है। परंतु मैं हूँ या फिर कोई एक्सपर्ट तांत्रिक है, उसको समझ में आता है कि इसके शरीर के ऊपर किसका आशीर्वाद है। वो क्या करता है, सामने वाले को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, तुम्हारे ऊपर ये है वो है, ऐसा कर ले उसका दिमाग ख़राब कर देगा। अदृश्य जगत से उसकी जो पैशाचिक शक्तियाँ होती है वो उसकी कुलदेवी खींच लेती है, तत्व खींच लेते हैं, एनर्जी कहीं पे जाके स्टोर कर देती है। ऐसा है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी ताकतें वो खींच लेते हैं और कहीं जाकर स्टोर कर देते हैं। और ये लोग जब घर में अपने घर चले जाते हैं तो उनके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती है कि वो उनके शरीर के साथ उनके घर में जाती है। और ये लोग घर में अपना जो पूजा पाठ करेंगे, जो भी कोई करेंगे, मंत्र तंत्र हवन करेंगे, जो भी पुण्य का काम करेंगे, वो धीरे 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 ये इस तांत्रिक के पास वो आता जाएगा। वो तब तक आता जाएगा जब तक सामने वाली फैमिली जो है पूरी तरीके से खाली ना हो जाए। पूरी तरीके से खाली किया जाता है, आपका शरीर जो है खोखला किया जाता है, खोखला किया जाता है। और इस ये जो एक भवंडर है या ये जो जुमला चल रहा है ना, इसमें काफ़ी लोग फंस चुके हैं। ऐसे ही किसी तांत्रिक बाबा के पास करोड़ करोड़ की गाड़ियाँ, 40-40 लाख की जो गाड़ियाँ होती है, मर्सिडीज, BMW, ये ऐसे नहीं आती। आप कल्पना कर लीजिए, ये गरीब लोग 5,000 रुपये देने भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो फ्री का टिकट निकाल कर जो होता है ऐसे ही जनरल बोगी में घुसकर रेलवे से उस दरबार में आते हैं। तो आपको क्या लगता है
कि इसके पीछे क्या रहस्य, कभी आप इसके ये सोच कर देखिए, इसका अभ्यास जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग अभ्यास है। ऐसे हमारे हिंदुओं में ये जो चल रहा है कांड, ये इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारे फैमिलीज में जो है पितृदोष से ज़्यादा जो बची कुची पुण्य है, पुण्य की एनर्जी होती है जो आपको पितरों ने दी हुई है, जो आपको कुलाचार ने दी हुई है, वो आपकी पूरी की पूरी ये लोग खींच लेते हैं मित्रों, और आपके शरीर में गंदगी गंदगी डाल देते हैं। क्योंकि कोई तांत्रिक है, उसके पास बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की जो गंदगी आई हुई रहती है उसको भी वो कहीं ना कहीं डालनी पड़ती है। तो ये क्या करता है कि आपकी एनर्जी उसके पास आएगी और ये गंदगी एनर्जी जो है आपके शरीर में आना शुरू कर देती है, तो आपका ये DNA इनडायरेक्टली ख़राब कर देती है। तो इसको जैसे कि अगर पानी है, पानी में आप नमक डालेंगे तो नमक पानी से आप दूर कैसे करोगे, ये प्रक्रिया जो है वो आसान नहीं है मित्रों। तो यही होता है हमारे शरीर में। तो बहुत सारे लोग अपनी ये तकलीफें दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, परंतु ये चीज़ें सामान्य नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे इस दुनिया में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी 6-7-8 महीने पहले हमारे पास एक महिला सीखती थी, उसका बच्चा 11वीं 12वीं में पढ़ता था, 11वीं 12वीं में पढ़ता था। उसको दिवाली के समय में एक पिशाच जो था वो उसको तंग करना शुरू कर दिया। बेचारा अच्छा खासा क्लासेस में जाता था, अच्छा खासा कॉलेज में जाता था, अपने मित्रों के साथ खेल कूद करता था, पढ़ाई करता था। उसकी अचानक से दिवाली के बाद ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई। वो हवा में बातें करना शुरू करना उसने शुरू कर दिया, उसे स्त्रियों के प्रति आकर्षण होना शुरू कर दिया, और वो घर में बताना शुरू कराया उसने अपने माता पिता से कि मुझे मेरी शादी जल्दी करवाओ, मुझे सेक्स करना है, मुझे भोग करना है, ये सब बोलना उसने शुरू कर दिया। जब मुझे मेरे सामने ये सारी चीज़ें आ गई तो मैंने उनसे कहा कि आपको जल्दी से जल्दी कोई तांत्रिक ढूंढना चाहिए, ये आप मंत्र तंत्र करके ये सारी चीज़ें नहीं होगी, बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज होती है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कोई तांत्रिक चाहिए। उन्होंने तांत्रिक ढूंढा, उसने बताया कि उसको पिशाच वगैरह लगा हुआ है, परंतु कुछ दिनों के बाद उस तांत्रिक ने भी मदद करना बंद कर दिया। क्योंकि ये जो डीप प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको सॉल्व करने वाले जो तांत्रिक है ना वो बहुत कम है, ऐसा है, और जानबूझकर उलझाने वाले तांत्रिक बहुत है। तो उस लड़के को, उस माँ को बाद में हमें एक अहमदाबाद में मीरा दातार का जो दरगाह है वहाँ पर भेजना पड़ा, और वहाँ से उनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना पड़ा। और इसकी हकीकत जो है बहुत बड़ी और लंबी है, उसको मैं कभी और किसी लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि ये तांत्रिक जुमला किस प्रकार से चलता है, करोड़ों और अब जो रुपयों का ये आवागमन होता है, भ्रष्टाचार होता है, और इसके लिए बहुत सारे तंत्र की शक्तियाँ लगती है, पिशाचों की शक्तियाँ लगती है, और ये इनडायरेक्टली हिडन जगत में इस तरह से होता है। तो मित्रों आपको लेक्चर कैसा लगा, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर हमारे साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं।